वक्त की बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर के बाहरी इलाके लावापुरा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक जवान शहीद हो गया है। जी आपको बता दें, वहीं आतंकवादियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस हमले में किसी भी नागरिक के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। वहीं इसी पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सईद आमिर जुड़ गए हैं। जी सईद जी, क्या है पूरा मामला? आपको बताते चले, श्रीनगर के आउटस्ट्राइक्स में अभी यहाँ पे अटैक हुआ और बताया ये जा रहा है कि 3 मिलिटेंट्स बाइक पे सवार थे, जिन्होंने सीआरपीएफ के जवानों पे हमला किया, जिसमें अभी तक ये बताया जा सूत्र के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 4 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो घायल हो गए हैं, जिसमें एक जवान की शहादत पाई गई है। जी, सेना द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आपको बताते चले कि पूरे एरिया को इस समय कॉर्डन ऑफ किया गया है, तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को सील किया गया है, हाई सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है वहां पे, तहम कहीं से मिलिटेंट जो है वो भागे ना, एरिया को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। जी मैम, इस पर किसी अधिकारी का कोई बयान आया है? अभी ओपी तिवारी, जो पीआरओ ऑफ सीआरपीएफ है, उसकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो नौका पार्टी वहां पे थी लवीपुरा में, तो बाइक सवार पे 3 मिलिटेंट्स जो थे उन्होंने फायर खोला और जो वहां पे सीआरपीएफ तैनात थे उन पे अटैक किया गया। जी मैम, तमाम जानकारी के लिए सईद आमिर आपका धन्यवाद। सीआरपीएफ के पीआरओ ओपी तिवारी ने बताया है कि नाका पार्टी पर तैनात 73वीं बटालियन पर आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 4 जवान घायल हो गए थे, जिसमें से एक जवान शहीद हो गया। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमलावरों की संख्या 3 बताई जा रही है, जो कि ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद भाग निकले। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा संयम बरता गया, क्योंकि इलाका भीड़भाड़ वाला था। जवान अगर वो जवाबी कार्रवाई करते तो स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंच सकता था। रहती थी और आरोपी लगी हुई थी, लगभग 4:15 बजे के लगभग आतंकवादियों ने एक मोबाइल पेट्रोल जो कि एक गाड़ी में था उस पे हमला किया और सामने से और गाड़ी की बाईं तरफ से फायर किया, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया, 2 क्रिटिकल इंजरी है और 1 खतरे से बाहर है, और एरिया को पूरा कॉर्डन किया गया है। सभी नाकास को, यहाँ से बाहर निकलने वाले जितने भी रास्ते, सभी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है, नाके लगा दिया गया है। और बाकी और कितने हिट एंड रन अटैक था या मतलब घात लगाकर किया गया, कैसे आपको लगता है प्लान किया गया? बिल्कुल हिट एंड रन अटैक है और इतनी इनकी हिम्मत नहीं है कि आमने सामने हमसे लड़ सके, लेकिन ये चुपके से इन्होंने मारा है और कहीं गली में से मार के और फिर बाहर। सर एक आखिरी सवाल, आपको लगता है जिस तरह एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन घाटी में चल रहे हैं, उसके चलते मिलिटेंट प्रयास कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने को, इस तरह के अटैक सामने आ रहे हैं? वो तो अपने प्रयास करेंगे ही, हमेशा से प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बहुत जल्दी विफल हो जाएगा और जल्दी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। सर कितनी तादाद में थे और किस तंजीम का इसके पीछे हाथ हो सकता है? अभी तंजीम का कोई मालूम नहीं है, लेकिन 3 से 4 ऐसी संख्या थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़।